भगवान कहाँ है? अगर भगवान कहीं होता तो हमारे गरीबों को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? ये गरीबी दूर होना चाहिए कि नहीं दूर होना चाहिए? हम रात दिन पूजा करते हैं, रात दिन सरस्वती पूजा, पार्वती की पूजा, दुर्गा की पूजा, हनुमान की पूजा, शंकर की पूजा, सब पूजा करते हैं, लेकिन आखिर ये लोग हमारे लोगों को गरीब क्यों बना रहे? इन्होंने अमीर क्यों नहीं बनाया? अगर इनमें शक्ति होती तो ये हमको अमीर क्यों नहीं बनाया? हम रात दिन पूजा करते हैं, हमको अमीर क्यों नहीं बनाया? अगर हम सरस्वती माता अगर ज्ञान देती तो हमारे बाबा क्यों नहीं पढ़े? हमारी दादी क्यों नहीं पढ़े? हमारे चाचा क्यों नहीं पढ़े? हमारे बाप क्यों नहीं पढ़े? आज हमारे भाइया बहन क्यों पढ़ने से वंचित हैं? क्या कारण है? क्यों नहीं हमको शिक्षा मिला? भाइयों बहनों, हमारे लोग अंधविश्वास में हैं, इसलिए कि जब हम अभी देख रहे हैं कि अभी कांवर उठा, छोटे छोटे बच्चे कांवर लेकर के जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे कांवर लेकर वस्त्र पहनकर जाते हैं तो 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कांवर लेकर जाते हैं, थक जाते हैं, और वहाँ जाते हैं, चढ़ा जाते हैं, और वहाँ कहते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं, यहाँ दे हो तो तर जी हो, दोनों तुरे पास है, तू हमें दे दो, तुरे पैसा से हम आगे बढ़ जाइए और तू नीचे तरे चले जाओ। वो साफ कहते हैं, वो साफ कहते हैं कि हिया दे हो तो तर जी हो। और तुम्हारे भारत में जितने मंदिर हैं, आपके अयोध्या की जो मंदिर है, उस मंदिर के एक साल की कमाई 140 करोड़ रुपया है। एक मंदिर की कमाई 140 करोड़ रुपया है। आपके वैष्णो देवी मंदिर की कमाई 200 करोड़ रुपया एक महीने की है, साल की है, 200 करोड़ रुपया। आपके कलकत्ता की कमाई 140 करोड़, वहाँ की भी कमाई है। साई श्रेडी बाबा मंदिर की कमाई 100 करोड़ रुपया है एक साल की। आखिर में भारत में कितनी मंदिर है और उस मंदिर के पुजारी कौन है? उस मंदिर के पुजारी कोरी चमार पासी खटी धोबी है, कुर्मी अहिर सोनार लोहार कहार हैं, निषाद हैं, नहीं है ना? सब तो पंडित जी हैं। और वहाँ का नहीं चढ़ाते? मिठाई चढ़ाते हैं, सोना चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, सब चढ़ता है ना? तो आखिर में जब अदना अरबों खरबों रुपया आता है तो जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा सरकार के कोष में तो जमा नहीं होता? नहीं जमा होता ना, वो सरकार के कोष में जमा नहीं होता। वो जो चढ़ावा चढ़ता है वो पंडित जी का हो जाता है। तो जब पंडित जी हो जाते हैं तो पंडित जी अपने लड़का से कांवर ढूंढवावत हैं कि तू भैया कांवर ढो जाओ। अब उनके परिवार के लोग, क्या उनकी बीवी मेला जाती हैं? नहीं जाती है। मेला कौन जाता है? कोरी चमार पासी खटिक धोबी अहिर सोनार लोहार कहार निषाद कांदू कलवार, यही ना मेला जाती हैं? अगर ये महिलाएं, हमारे भाई समाज के लोग अगर मेला ना जाएं तो उनके मंदिर पर 1 रुपया चढ़ावा जिस दिन चढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन वो भूखे मरने लगेंगे। और जो पैसा आपके पास है वो पैसा आपका बच जाएगा, उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन अभी कहा जाए तो मानोगे? अभी कहा जाए तो मानोगे मेला नहीं जाना? अभी कहा जाए होली ना मनाना? अभी होली आ रही है, कहा जाए होली ना करो तो मानी कोई? कहना साल भर पर त्योहार, साल भर पे एक बार त्योहार होती है और वो त्योहारों में ना करो, त्योहार ना करो। त्योहार के मतलब क्या? त्योहार के मतलब तुम्हारी हार, तुम हार चुके हो।